कर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामताः पाण्डवाश्चैव ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। तो जैसा कि आप सब भक्तों को मालूम है, पिछले कई वर्षों से हम भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पहले 5 दिनों के लिए भगवत गीता से भगवान की वाणी को समझने का करते हैं, प्रयास करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले 7 दिनों के लिए हम क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को समझने का और जानने का प्रयास करते हैं। भगवद गीता के बारे में गीता महात्म में कहा गया है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। गीता क्या है? गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। भगवद गीता क्या है? भगवद गीता एक शास्त्र है। क्या है? शास्त्र है। शास्त्र का मतलब क्या होता है? शास्त्र का अर्थ होता है जो हमारे मानव जीवन को शासित करने के लिए कानून हैं, उनको बोला जाता है शास्त्र। बोलो हरे कृष्णा। अर्थात भगवद गीता में वो सभी कानून हमें उपलब्ध हैं जिनका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। यदि हम भगवद गीता में दिए गए कानूनों का पालन करते हैं तो क्या होता है, जैसे अगर हम सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करते हैं तो फिर कानून का पालन करने वाले की देखभाल करना, सुरक्षा जुटाना सरकार की क्या हो जाती है, कर्तव्य बन जाता है। क्यों जी, सही बात है ना। यदि हम सरकार के बनाए हुए कानूनों को आप क्या करते हैं, दृढ़ता से पालन करते हैं तो फिर सरकार क्या करती है,
सरकार हमें सुरक्षा की गारंटी देती है, हमारी रक्षा का जो जिम्मेवारी किसके पास चला जाता है, सरकार के ऊपर चला जाता है। यदि हम भगवत गीता में बताए गए मनुष्य योनि के लिए जो कानून हैं उनका हम पालन करते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड की जो परम सत्ता है, क्या बोला, जो सारे ब्रह्मांडों की क्या है, परम सत्ता है, भूत भावन भूतेशु देव देव जगतपते। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहता है कि प्रभु आप इस मृत्यु लोक के जितने प्राणी हैं उनके स्वामी हो, उनके राजा हो। फिर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता, कहता नहीं, देव देव जगतपते, आप तो देव लोक के भी क्या हो, स्वामी हो, जितने भी देवता हैं वो भी आपके क्या हैं जी, सेवक हैं। और फिर उसको अर्जुन को फिर क्या होता है, फिर एहसास होता है नहीं नहीं इतना ही नहीं है। फिर कहते कि प्रभु आप भौतिक संसार के देवलोक के मृत्यु लोक के अथवा देवलोक के ही स्वामी नहीं हो, आप तो वैकुंठ जगत के भी क्या हो, स्वामी हो, जगतपते। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है, जगन्नाथ। क्या नाम है बोलो जी, जगन्नाथ का मतलब क्या होता है, जो सारे जगत के सारे सृष्टि के क्या होते हैं, नाथ होते हैं, उनको बोलते हैं जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी कौन है, जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण का ही क्या एक नाम है। तो जब हम पूरे जगत के स्वामी, पूरे जगत के सुप्रीम अथॉरिटी, पूरे जगत, पूरे जगत के भगवान स्वामी है ना, नियंता, अगर हम के द्वारा बनाए गए कानूनों का क्या करेंगे, पालन करते हैं, उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, तो वो भी, वो भगवान श्री कृष्ण जी भी हमें क्या कहते हैं, ये गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे योग अक्षेम का वहन करूंगा। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन, जो मेरे आदेशों का पालन करते हुए, जो मेरे सुप्रीम आदेश मैंने भगवद गीता के माध्यम से प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को प्रदान किए हैं, जो दृढ़ता से उनका पालन करता है, अर्थात जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में समर्पित हो जाता है, बोलो हरे कृष्णा, मेरा चिंतन करता है अथवा मेरा गुणगान करता है और मेरी उपासना करता है, तो ऐसे ऐसे भक्त का, ऐसे भक्त का जो योग और क्षेम है, योग और क्षेम है, योग का मतलब उसको क्या चाहिए, उसको अपने जीवन निर्वाह करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे कि छोटे बालक को जो अपने जीवन के निर्वाह करने के लिए कुछ भी चाहिए, एक साल से छोटे बालक को, या दो साल से छोटे बालक को, या तीन साल से छोटे बालक को, या चार साल से छोटे बालक को, या पाँच साल से छोटे बालक को, उस अपने जीवन के निर्वाह के लिए क्या कुछ भी चाहिए तो कौन जुटाता है, वो बालक अपने आप से तो कुछ जुटा बोलो नहीं सकता है, कौन जुटाता है, उसके माता पिता जुटाते हैं। छोटे बालक के लिए जिस प्रकार माता पिता बिना उसकी डिमांड के, बिना उसकी मांगे, उसकी हर एक इच्छा की पूर्ति करते हैं, तो ऐसे ही जब हम भगवान के आदेश का पालन करते हुए भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाते हैं और उनके आदेश का पालन करने के लिए उनकी भक्ति में तत्पर हो जाते हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे अपने शरणागत भक्त की योग और अक्षेम दोनों का वाहन मैं स्वयं करता हूँ। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान गीता में क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कारो, है ना, ये अर्जुन तुम मेरे भक्त बन जाओ। ये भगवान अपना आदेश दे रहे हैं, अपना कानून बता रहे हैं, भाई मनुष्य योनि तुम्हारे को ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग और डिफेंडिंग की नहीं मिली, खाओ पियो विषय भोग सो जाओ एंजॉय करो, इसके लिए मनुष्य योनि नहीं है।
ये मनुष्य योनि में तुम क्या कर सकते हो, मेरे भक्त बनने का प्रयास करो। क्या बनेगा है? बनना है तो क्या बनो? मेरे भक्त बनो। क्या बनो? मेरे भक्त बनो। मनुष्य योनि में तुम मेरे भक्त बनो। और भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त बनेगा, अर्जुन को भगवान कहते हैं अर्जुन जो मेरा भक्त बनेगा, तो भगवान घोषणा करते हैं नैमे भक्ता, नैमे भक्ता पणश्यति। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम मेरे बिहाव के ऊपर घोषणा कर दो। क्या कर दो? कि जो मेरा भक्त बन जाएगा, जो मेरा भक्त बन गया है, उसका दुनिया में कोई बाल भांका नहीं कर सकता। यो मद भक्ता स मे प्रिया। भगवान कहते हैं अर्जुन जो मेरा भक्त बन गया वो मेरा क्या हो गया? अतिशय प्रिय हो गया। क्यों जी? भगवान कहते जो मेरा भक्त बन गया वो मेरा क्या हो गया? बहुत प्रिय हो गया। और जो मेरा प्रिय भक्त बन जाता है, जो मेरा भक्त बन जाता है, भगवान घोषणा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कौन्तेया प्रति जानहि नैमे भक्ता पणश्यति। हे कौन्ती पुत्र अर्जुन, तुम घोषणा कर दो कि जो मेरा भक्त बन जाएगा उसका दुनिया में है कोई भी बाल भांका नहीं कर सकता, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यदि हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदान किए गए हैं, जो भगवत गीता के माध्यम से जो हमारे मनुष्य योनि को कंट्रोल करने के लिए कानून दिए गए हैं, जिनका हमें पालन करना चाहिए, यदि हम उन कानूनों का पालन करते हैं तो क्या होता है? उसमें हमारे जीवन की सुरक्षा की और हमारे जीवन के यापन करने की क्या पूरी बोलो गारंटी है। हरे कृष्ण। कोई छोटी मोटी बात नहीं बोल रहे भगवान। भगवान गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयत पुमान। जो इस भगवत गीता को बड़े लगन के साथ, बड़ी उत्कंठा के साथ, किस साथ? जो बड़े लगन के साथ, शरणागत भाव के साथ, उत्कंठा के साथ जो इस भगवत गीता के उपदेश को पढ़ता है या सुनता है, पढ़ता है या बोलो जी सुनता है, तो क्या होता है? विष्णु विष्णु पदम अवापनोति। उसको भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है। है ना? क्या हो जाती है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की क्या हो जाती है? बोलो, प्राप्ति हो जाती है। विष्णु पदम अवापनोति, वह भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। भय शोक आदि वर्जिता, और भगवत गीता के अध्ययन करने से, भगवत गीता के ऊपर प्रवचन सुनने से, भगवत गीता के संदेश को ग्रहण करने से क्या होता है? उस व्यक्ति के जीवन से भय शोक और मोह क्या हो जाते हैं? ये हरबोल नष्ट हो जाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में ना तो भय रहता है, ना शोक रहता है, और ना मोह रहता है। सही बात है ना? बोलते भी नहीं। अर्जुन को क्या हुआ था? अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन को इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में लगभग अब से 5200 साल पहले क्या हुआ था? जब उसने युद्ध के मैदान में अपने स्वजनों को देखा था, अरे अरे इस युद्ध में मैं अपने गुरुजन को मारूंगा, अर्थात द्रोणाचार्य जो मेरे गुरु हैं उनको मारूंगा, हमारे कुल गुरु जो कृपाचार्य हैं उनको मारूंगा, मैं अपने हैं पितामह भीष्म के ऊपर बाण चलाऊंगा, बोलो हरे कृष्ण, मैं अपने
चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहनों भाइयों को ऊपर है बाण चलाऊंगा, उनको मारूंगा, है ये तो घोर अन्याय है। क्यों जी, इनको मारने से तो मुझे नरक पाप लगेगा और पाप का परिणाम क्या होगा, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि अर्जुन को किस चीज का भय था, किस चीज का भय था अर्जुन को, उन योद्धाओं से भय नहीं था। हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में भगवान कृष्ण की कृपा से, भगवान कृष्ण की इच्छा से, युद्ध की इच्छा लेकर के इकट्ठे हुए थे, उन कौरवों के सेना को देख करके उन कौरवों से भय नहीं था, क्योंकि उन कौरवों में पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण विकर्ण इनको तो अर्जुन अकेला ही, इन बड़े बड़े महारथियों को अर्जुन अकेला ही महाराज विराट की नगरी में हरा चुका था अकेला। क्यों नहीं, जब गैये चुराने के लिए गए थे कौरव महाराज विराट की, तब अकेले अर्जुन ने क्या किया था, विषम पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण विक्रम सबको घायल करके, सबके हथियार तोड़ के, सब सबको मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, सब मैदान छोड़ के भाग गए थे अकेले से, अकेले ने सबको परास्त कर दिया था अकेले, केवल अकेले ने। तो हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि वास्तव में अर्जुन उन योद्धाओं को देख करके भयभीत नहीं था। अर्जुन अगर भयभीत था तो कैसे भयभीत था, अर्जुन को इस चीज का भय था, अब युद्ध में इनको तो मरना पड़ेगा, जब तक इनको ये मरेंगे नहीं निर्णय होने वाला, अब तो निर्णय तभी होगा जब मरेंगे बोलो हरे कृष्णा, इनको मरने के बाद निर्णय होना कुछ भी होना है, तो जब मैं इनको मारूंगा, जब मैं गुरुजनों को मारूंगा, अपने स्वजनों को मारूंगा, तो उनके मारने से मुझे पाप लगेगा, क्या लगेगा मुझे पाप लगेगा, सही बात है ना, क्या लगेगा मुझे पाप लगेगा। और अर्जुन को यह भी मालूम था, क्या मालूम था, कि जो व्यक्ति अपने मानव जीवन में आकर के पाप करते हैं, क्या करते हैं पाप करते हैं, उनको नरकों में जाकर के वास करना पड़ता है, नरके नियतम वासो। अर्जुन कह रहा है, प्रभु भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहा है कि प्रभु जो लोग पाप कर्म करते हैं, जो मनुष्य योनि में आके पाप कर्म करते हैं, उनको अपने अगले जन्म में कहाँ जाना पड़ता है, नरकों में वास करना पड़ता है, अर्थात उसको नरकों में जाना पड़ता है। अर्जुन अपने मानव जीवन का लक्ष्य भी जानता था, अर्जुन को मालूम था, वो संत महात्माओं की सभा में बैठता था, सत्संग करता था, उसने सुना था, क्या सुना था, कि ये मनुष्य योनि जीव आत्मा के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भव सागर से मुक्ति पाने के लिए एक सुनहरी मौका है। ये मनुष्य योनि में ही सत्कर्म करके कोई जीव आत्मा जो है इस अवगमन के चक्कर से मुक्ति पा करके बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड, अर्थात अपने असली घर भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो सकता है। क्यों जी, तो अर्जुन को मालूम है मानव जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना है, कहाँ जाना है, सिर्फ सिर्फ प्रभुपाद जी कहा करते थे, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिडवान ग्रेस एसी भगवान प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इस मानव जीवन का लक्ष्य है बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, जाओ पुनः वापिस भगवत धाम लौटो, अपने असली घर लौटो जहाँ से तुम यहाँ पर आए हो। ये मनुष्य योनि उस अपने असली घर लौटने के लिए क्या है, सुनहरी मौका है, ये बात अर्जुन को मालूम थी। तो अर्जुन दुविधा में फंस गया, क्या फंस गया, इधर मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना है, भगवत धाम जाना है,
सत्कर्म करके कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है। और उधर मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर मुझे अपने स्वजनों को मार के, गुरुजनों को मार करके जो पाप लगेगा उसके प्रणाम स्वरूप मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे नरकों में जाना पड़ेगा। नरकों का जीवन बड़ा ही क्या है, बड़ा कष्टमय है, बड़ा दयनीय है। इसलिए अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन ने घोषणा कर दिया, अर्जुन ने घोषणा कर दिया था, हे कृष्ण मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। ये घोषणा करके अर्जुन अपना धनुष बाण छोड़ के कहां बैठ गया था? रथ के ऊपर बैठ गया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम संजय धृतराष्ट्र जी को बताते हैं कि अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या बह रहे हैं? कृपण्य दोषो अपस्वभाव। अर्जुन कहता है प्रभु मेरे अंदर तो कायरता का दोष लग गया है। क्या लग गया? मुझे को तो कायरता का दोष लग गया है। अरे अक्षत्रिय को तो युद्ध देकर के खुश होना चाहिए। मैं अक्षत्रिय हूं, मेरा जन्म जन्म अक्षत्रिय कुल में हुआ है, और अक्षत्रिय को तो युद्ध देकर के होना चाहिए, बोलो जी, खुश होना चाहिए। क्योंकि भगवान गीता में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो अक्षत्रिय युद्ध में लड़ते मरता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो हरगत है, हतो वह प्राप्त स्वर्गम जीतवा भोक्षसी महीम। अर्जुन अगर तुम इस युद्ध में, धर्म युद्ध में युद्ध करते करते मर जाओगे तो तुम्हारे को क्या मिलेगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हैं मनुष्य जन कितने प्रयत्न करते हैं, वो मात्र इस युद्ध में शरीर छोड़ने से तुम्हें हो जाए, क्या मिलेगी? स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। हतो वह प्राप्त स्वर्गम, अगर तुम मर गए इस युद्ध के अंदर लड़ते लड़ते तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीत गए तो भोक्षसी महिम, तुम पूरे पृथ्वी के राजा बन जाओगे। बोलो हरे कृष्णा। अर्जुन तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, तुम कहीं को चिंता कर रहे भाई, उठो और युद्ध करो। मरने में भी लाभ है और जीतने में भी बोलो लाभ है। फिर तुम शोक कर रहे हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। मेरे अंदर कायरता आ गई। अर्जुन कहता है मेरे अंदर कायरता आ गई, मेरे पे कायरता का दोष लग गया। कृपण्य दोषो अपस्वभाव, मेरा स्वभाव मेरे से छिन गया, मेरे पास मेरा स्वभाव नहीं है। अब अक्षत्र का स्वभाव मुझसे मेरे पास ही चला गया, कार्य व्यक्ति का स्वभाव मेरे अंदर आ गया है। लेकिन अर्जुन बड़ा शरणागत भगवान का क्या है? भक्त है। स्वयं भगवान अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने मुखारविंद से भगवान बता रहे अर्जुन भक्तोसि मे, भगवान क्या बोलते अर्जुन? भक्तोसि मे सखा चेति। भगवान अपने मुखारविंद से ये स्वीकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो। कौन से भक्त हो? बोलो ना भाई, अर्जुन तुम मेरे भक्त हो। और कौन से भक्त हो? मेरे प्रिय भक्त हो, अर्थात तुम मेरे साख्य रस के भक्त हो, दास्य भाव के भक्त होता है। क्यों जी? साख्य भाव का रस होता है, वात्सल्य भाव का भक्त होता है, माधुर्य भाव का भी क्या होता है? बोलो, भक्त होता है। सही बात है ना? दास्य भाव में भक्त भगवान को अपना स्वामी मान के उनकी सेवा में लगता है, साख्य भाव में भगवान को अपना मित्र मान के भगवान की सेवा में लगता है, वात्सल्य भाव में है भक्त भगवान को अपना पुत्र समझ करके उनकी सेवा में रत होता है। बोलो हरे कृष्णा। और माधुर्य भाव में भक्त भगवान को अपना प्रियतम मान करके, है ना, पति मान करके उनकी सेवा में रत होता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कहते हैं अर्जुन तुम मेरे क्या हो? भक्त हो। क्या हो? जोर से बोलो,
तो मेरे भक्त हो, ऊपर से कैसे भक्त हो, मेरे साख्य रस के भक्त हो, जिस अर्जुन को भगवान स्वयं घोषणा कर रहे हैं, हाँ दूसरा नहीं कर रहा, स्वयं अपने मुखारविंद से घोषणा भगवान कर रहे हैं, कृष्ण जी क्या कर रहे हैं कि तुम मेरे साख्य रस के क्या हो, भक्त हो, भक्तोसी में सखा चेती, और इसलिए मैं तुम्हारे को अब बहुत रहस्यमय बात बताऊंगा, जो मैं तुम्हें उपदेश देने जा रहा हूँ ये बड़ा ही गोपनीय उपदेश मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे क्या हो, मेरे भक्त हो, और मेरे क्या हो, सख्य रस के भक्त हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं, ये इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशु अभी धास्यति। मेरे इस उपदेश का जो चर्चा होनी चाहिए मेरे भक्तों के बीच होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बोलो जी, जो मेरे भक्त नहीं है उनको मेरे बारे में मत बताओ, जो मेरे भक्त नहीं है उनको मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे बारे में जान के मेरा उपहास करेंगे, उनको अपराध लगेगा और मेरा मजाक उड़ाएंगे, बोलो हरे कृष्ण नहीं समझे, लेकिन किसको बताना है, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशु भी धास्यति, लेकिन जो मेरे इस गोपनीय ज्ञान के बारे में जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं जो अन्य मेरे भक्तों को बताएगा तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो मेरी प्राम भक्ति को प्राप्त हो जाएगा, बोलो हरे कृष्ण, भक्ति मई प्राम कृत्वा, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो मेरी प्रेम भक्ति में तत्पर हो जाएगा, मेरी प्रेम भक्ति में लग जाएगा, वो मेरी है अनन्य भाव वाली भक्ति में लग जाएगा, प्रामाण्य स्पिरिट वो मेरी सबसे सर्वोत्तम सेवा करेगा, मेरी सबसे सर्वोत्तम भक्ति करेगा, माम एसएससी एसेंस है, और मेरी सुप्रिय भक्ति करने के कारण उसको निश्चित रूप से बिना शंका के बिना संशय के उसको मेरे धाम की मेरी प्राप्ति मेरे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी, उसका मानव जीवन सफल हो जाएगा। भगवान सब करें, ये तो भगवान का 18 अध्याय में निचोड़ है अपने प्रवचन का, कि जो मेरे इस गोपनीय ज्ञान भक्ति के ज्ञान को, यह एकदम परमम गुह्यम, कौन सा कौन ज्ञान है, सर्व गुह्यतम भूया सुनु में परमम बचा, सबसे गोपनीय ज्ञान जो मैं तुम्हें दिया है, सबसे गोपनीय ज्ञान जो मैं तुम्हें दे चुका हूं भूये पुनः सुनो, पहले दे चुका हूं 9वें अध्याय के 34 श्लोक में दे चुका हूं, मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कारो, भूये दोबारा दे रहा हूं, क्षणों में परम वचन, मेरे इन परम वचनों को दोबारा सुनो, भूये दोबारा सुनो, और क्यों सुनो, भक्तो उसी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो, बोलो हरे कृष्णा। अर्थात भगवत गीता का जो ज्ञान है किसके लिए है, दुष्टों के लिए नहीं है, मूर्खों के लिए नहीं है, किसके लिए है, किसके लिए है, भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए है, भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए है। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के साथ, मच्चिता मद्गत प्राणा बोध यंतश्चे परस्परम कथयंतश्चे माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। अर्जुन ने भगवान से पूछा था, प्रभु आप अपने भक्तों की इतनी वंदना कर रहे हो, इतना गुणगान कर रहे हो, आप थक ही नहीं रहे हो, है अर्जुन को भगवान बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं क्या बोला भगवान अर्जुन को बोलने का मौका नहीं दे रहे, बोले जा रहे हैं, यो मद भक्त सैम पर, यो मद भक्त सैम, यो मद भक्त सैम, अपने भक्तों को गुणगान किए जा रहे हैं। तो भगवान अर्जुन कहता है, प्रभु आपका भक्त करता क्या है जिसका आपका गुणगान कर रहे हो, क्या करता हो, भगवान कहते हैं मेरा भक्त सततम कृत्यंतो माम, मेरा भक्त हमेशा हर समय मेरी कीर्ति का गुणगान करता रहता है। कीर्ति का मतलब कीर्तन, हरि बोल, क्यों जी ध्यान लगाने की अपेक्षा जाप करने की अपेक्षा कीर्तन में ज्यादा रस आता है, हरे कृष्ण क्यों भैया,
बोलो ना, ध्यान करते करते तो सो जाओगे, जाप करते करते भी बोलो सो जाओगे, सही बात है ना, बोलो ना। लेकिन कीर्तन में तो आपको बोलना पड़ेगा, ताली बजानी ही पड़ेगी। कोई आपने ऐसे व्यक्ति देखा कि जो क्या नाम है सो गया और ताली बजा गा रहा हो? बताओ ना, क्या आपने कोई ऐसे व्यक्ति देखा कि जो खराटे मारा सो रहा हो और साथ में ताली बजा रहा हो, कीर्तन भी कर रहा हो? बोलते क्यों नहीं प्रभु जी, माताओं बताओ ना। और ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो जाप करते करते सो जाएंगे, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो ध्यान करते करते लेट जाएंगे, आप देख लेना जमा करके, सही बात है ना, बोलो ना भाई। ये क्वेश्चन आंसर है भगवत गीता पूरी, ये भागवत भी क्वेश्चन आंसर है। बार बार अर्जुन से पूछ रहे हैं भगवान, तू सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना, ध्यान से सुन रहे हो ना, बार बार पूछ रहे हैं अर्जुन भागवत में, बार बार सुखदेव गोस्वामी कृष्ण महाराज को पूछ रहे हैं, अरे तुम ध्यान से सुन रहे हो ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना, हरे कृष्णा। तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है अर्जुन, वो हर समय मेरा कीर्तन करता है। क्या करता है? भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का गुणगान करने का नाम कीर्तन है, कीर्तन है। यतंतश्च, और वो करता कैसे है? प्रभु का नाम मिले प्रभु तुम्हारा नाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, हो गया काम। एक भजन मैंने सुना, बहुत लोग आ रहे हैं उसको, क्या बोले, क्या मिले, आपका नाम मिले, आप भी सुना होगा भजन, तो नहीं सुना ये माँ, ये आम लोगों का भक्त, लोग अपने हिसाब से बनाए जा रहे हैं भजन, वैष्णव के तो ये गा नहीं सकते हैं, वैष्णव के भजन थोड़ी है, वैष्णव के भजनों में तो पूरा का पूरा शास्त्रों का सिद्धांत होता है। लोग तो अपने पैसे कमाने के लिए बनाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, कुछ कुछ बना रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, और सब पैसा कमा रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा। सबका लक्ष्य तो क्या है? सबका समय तो टका 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 मिलना चाहिए, कैसे मिले हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात 5-7 मिनट सुबह भजन किया, 5-7 मिनट शाम को भजन किया, हो गया काम, सुबह और शाम हो गया। बाकी का क्या? बाकी पूरे दिन में क्या किया? संसार का काम किया, संसार का चिंतन किया, संसार के विषयों का गुणगान किया, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा भजन कर लिया। क्या हम भी यही नहीं करते? बोलो जी, क्या हम भी यही करें? यही करते हैं ना, थोड़ा बहुत आया, सुबह उठ कर प्रणाम किया, थोड़ा जाप कर लिया, उसके दिन में समय लग रहे, फिर रात को आए तो थोड़ा बहुत माला जप लिया, उसके बाद फिर सो गए, हरे कृष्ण। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि भैया जो मेरा शुद्ध भक्त होता है, वो तो मेरा गुणगान कब करता है? दिन और रात। सततम कीर्तयन्तो मां, सततम मतलब 24 घंटे, 24 घंटे मेरे गुणगान करता है वो, तो भाई वो तो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, एक पल के लिए मेरा गुणगान नहीं छोड़ता। जैसे आप जानते हो ना, महाभारत के युद्ध में ही, कौन से दिन की बात है? 9वें युद्ध की समाप्ति के दिन। के दिन? 9वें दिन की समाप्ति के दिन क्या हुआ था मालूम है किसी को? 9वें दिन की युद्ध की समाप्ति पर दुर्योधन गया था भीष्म पितामह के शिविर में, और क्या बोला था? पितामह, अब आपके पास युद्ध करने की शक्ति नहीं रही, आप बूढ़े हो गए हो। क्या हो गया तुम? पितामह बूढ़े हो गए हो, अब आप सेनापति के पद के काबिल नहीं रहे हो। मेरी सेना में बड़े योग्य व्यक्ति हैं जो सेनापति का पद संभाल सकते हैं, आप इस सेनापति के पद का परित्याग कर दो। सोते सर को ललकार दिया, किसने? दुर्योधन ने। यह सुनकर के तो भीष्म पितामह को आग लग गई, पूरे सही तदमदन से गोर से जल गया। दुर्योधन, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, अभी मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं
तुम मुझे बुरा कह रहे हो? बिलामा क्यों 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 नहीं? अरे आज 9 दिन हो चले हैं, मेरी सेना मरती जा रही है और अभी 5ों पांडवों में से 1 पांडव तक नहीं मरा। तुम्हारी शक्ति कहां है? कहां है तुम्हारी शक्ति? आज 9 दिन युद्ध के हो गए हैं, अभी तक 1 5ों पांडवों में से 1 पांडव तक नहीं मरा है और मेरी सेना ढेर होती जा रही है। पितामह, युद्ध में कमजोरी नहीं चलती और युद्ध में मोह नहीं चलता। या तो तुम कमजोर हो चुके हो, तुम सेनापति के पद के काबिल नहीं रहे हो, अथवा अथवा तुम्हारे हृदय में पांडव के प्रति क्या है? मोह है। कुछ तो है, यह तुम जानो। या तो तुम्हारे अंदर कमजोरी है, तुम युद्ध के काबिल नहीं रहे हो, सेनापति के पद के काबिल नहीं हो, अथवा फिर तुम्हारे अंदर पांडव के प्रति क्या है? मोह है, और मोह के कारण तुम उनका वध नहीं कर रहे हो। लेकिन युद्ध में मोह भी नहीं चलता, युद्ध में मोह भी नहीं चलता। खलो क्या करोगे? दुर्योधन की बातों को सुनकर के महाराज भीष्म पितामह का तो क्रोध आसमान को छू गया। और याद रखना, कभी भी व्यक्ति को क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय ठीक नहीं हो सकता। अक्सर वही लोग बाद में पछताते हैं जो क्रोध की अवस्था में कुछ निर्णय ले बैठते हैं। क्रोध के समय में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। और उस क्रोध की अवस्था में क्या किया पितामह भीष्म ने? क्या कर दिया? घोषणा कर दिया, प्रतिज्ञा ले ली। अर्जुन, दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। अर्जुन का कर दूंगा, वध कर दूंगा। फिर बोले, बस एक ही उपाय से कल अर्जुन मुझसे बच पाएगा, यदि उसको बचाने वाले कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा का प्रत्याग कर दिया। यदि कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी तो ही मेरे से अर्जुन कल बचेगा, नहीं तो त्रिलोकी में कल मुझसे कोई अर्जुन को बचा नहीं पाएगा, मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। ये बात सुनकर के तो दुर्योधन खुश हो गया। अरे इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे कौन? पितामह भीष्म, उनको तो कोई मार ही नहीं सकता। जब तक वो नहीं चाहेंगे कुछ मार नहीं सकता, ये तो दुर्योधन को मालूम था। जब तक भीष्म पितामह नहीं चाहेंगे उनको कोई मार नहीं सकता। और कल तो अर्जुन का वध हो जाएगा। और 5ों भाइयों ने क्या किया है? ये प्रतिज्ञा किया हुआ है कि एक का भी वध हो गया तो हम सारे के सारे हरे कृष्णा मर जाएंगे, इकट्ठे मरेंगे। 5ों का प्रतिज्ञा था हम इकट्ठे मरेंगे। और कल तो ये समाप्त हो जाएगा और हमारी हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। हम पूरे हैं, पूरे पूरे संसार के क्या बन जाएंगे? छत्रपति सम्राट बन जाएंगे। और दुर्योधन तो अपने शिविर में जाकर के जश्न मना रहा है। क्या मना रहा है? अपने सैनिकों के साथ मिलकर जश्न मना रहा है। कल तो हमारी जीत हो जाएगी, कल तो हम हमेशा के लिए सम्राट बन जाएंगे। अब इन पांडवों को कोई नहीं बचा सकता भीष्म पितामह जैसे। और आज तो द्रौपदी बेचारी अपने शिव में रोई जा रही है, 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 रोई जा रही है। और रोते रोते 3 पहर निकल गए रात्रि के। बोलो जी, 3 पहर निकल गए। 8 पहर होते हैं, 3 घंटे का 1 पहर होता है। कितने होते हैं? 24। 8 से 24 कितने होते हैं? पूरे 24 घंटे में कितने होते हैं? 8 पहर। तो रात्रि में 4 और दिन में 4 कितने होते हैं? बोलो जी, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो रात्रि के कितने पहर निकल गए? 3। अर्थात 3 + 9 ब्रह्म मुहूर्त आ गया।
चौथा पैर ब्रह्म से चल होता है। और अब द्रौपदी रोई जा रही, रोई जा रही, रोई जा रही, रोई जा रही जा रही है और कृष्ण को पुकार रही है, और कृष्ण को पुकारने के बाद आज कृष्ण भी नहीं आ रहे हैं, रो रो के पागल हो गई। क्या नाम है, कौन? द्रौपदी। और जब रात्रि का है तीसरा पहर निकल गया, चौथा पहर चालू हुआ, तो भगवान द्रौपदी के शिविर में प्रवेश किए और कृष्ण जी को, भगवान कृष्ण को अपने शिविर में देख करके रोती रोती द्रौपदी भगवान कृष्ण के चरणों से लिपट गई, लिपट गई, रोने लगी। मैं पांच पतियों की पत्नी होने पर भी सती कहलाती हूं। क्या कहलाती हूं? सती कहलाती हूं। तो कल क्या मैं विधवा हो जाऊंगी? प्रभु, क्या आपका दास, आपका भक्त अर्जुन कल संसार में नहीं रहेगा? कल क्या मैं विधवा हो जाऊंगी? अब भगवान क्या उत्तर दे? रोई जा रही है, विलाप किए जा रही है, कौन? द्रौपदी। भगवान उसकी तरफ देख करके बड़े दुखी हो रहे हैं, अब क्या करूं? और थोड़ी देर के बाद भगवान सोच के बोले, कृष्णा, द्रौपदी का नाम कृष्णा भी था, कृष्णा, जिस अर्जुन के लिए पितामह भीष्म ने इतनी भीष्म प्रतिज्ञा कर दी है, वो अर्जुन है कहां? मुझे उसके उसके पास लेकर चलो, उससे मैं बैठ कर सलाह करूंगा कल कैसे करना है, कैसे युद्ध करना है, क्या युद्ध की रूप कैसे बनानी है, मुझे उसके पास लेकर चलो। हुआ क्या, जब द्रौपदी भगवान कृष्ण को अर्जुन के शिविर में लेके पहुंची तो क्या हुआ? शिविर में जैसे प्रवेश किए भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण के कानों में क्या आया? कृष्ण 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 कृष्ण। क्या सब आया? जोर से बोलो भाई, प्लीज सब बोलो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अर्थात अर्जुन के शिविर के अंदर कृष्ण नाम की ध्वनि गूंज रही थी। यद्यपि अर्जुन प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ था, उसके एक एक श्वास से भगवान कृष्ण का नाम उच्चारित हो रहा था। और अर्जुन की यह दशा देख करके, अर्जुन की एक एक श्वास से अपना नाम का श्रवण करके, श्रोताम से कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हर दंतो तो ही है बदराणी विधुनोती सुस्ताम। ये तो भगवान का वादा है कि जो जब मैं किसी को अपना कीर्तन करते देखता हूं तो मैं क्या हो जाता हूं? उसके ऊपर दयालु हो जाता हूं, उसको पुण्य दे देता हूं, उसके हृदय की मैल को धो देता हूं, उसको अपने भगवत धाम का वासी बना देता हूं। ये दयालुता भगवान की। अब भगवान तो चौंक गए, अरे अरे ये क्या देख रहा हूं, लोग तो होश आवास मेरा नाम नहीं जपते भाई, होश आवास मेरा नाम जपते, गीता भागवत पढ़ते तो मेरा नाम नहीं जपते। इतने मायावादी लोग हैं, गीता पर वचन करते हैं, भागवत पर वचन करते रहते हैं, वो उनका उनको भगवान का नाम जपते नहीं, वो तो कहते हम ही भगवान है, हमारी सेवा करो। हाँ जी, बोलते को नहीं हो जागते नहीं करते, कहने पर नहीं करते, संत महात्मा के समझाने पर नहीं करते, अरे मैं आता हूं तो नहीं करते। और ये अर्जुन, ये तो प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ भी एक एक श्वास के साथ मेरा नाम का जाप कर रहा है, और मेरा तो ये संकल्प है, मेरी तो ये प्रतिज्ञा है कि जो मेरा क्या करेगा, क्या करेगा, जो मेरा चिंतन करेगा उसकी रक्षा मुझे करनी पड़ेगी। अब तो मुझे अर्जुन को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, अब तो मुझे अर्जुन को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उठो अर्जुन, उठो, भगवान अर्जुन को बोलते उठो अर्जुन, उठो। अर्जुन क्या बोलता है? प्रभु सोने दो, सोने दो। अरे अर्जुन, क्या तुमने पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में नहीं सुना? उन्होंने तुम्हारे व्रत करने की प्रतिज्ञा ली है। अर्जुन क्या बोलता है? प्रभु सुना है, तो तुम्हें अभी भी नींद आ रही है? प्रभु सारे दिन युद्ध किया था, थका हुआ हूं, अगर अब नहीं सोऊंगा तो फिर कल युद्ध
नहीं कर पाऊंगा, मुझे सोने दो। बोलो हरे कृष्णा। क्या तुम्हें विषम पितामह की प्रतिज्ञा सुनने के बाद चिंता नहीं है? कौन पूछ रहे हैं? कौन, किसी ने पूछा है बात? भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं अर्जुन से, क्या विषम पितामह की प्रतिज्ञा सुनने के बाद तुम्हें चिंता नहीं है? अर्जुन ने क्या उत्तर दिया? बिल्कुल नहीं है, मुझे विषम पितामह की प्रतिज्ञा सुनने के बाद कोई चिंता बिल्कुल नहीं है। भगवान कृष्ण ने पूछा अर्जुन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है तुम्हें विषम पितामह की विषम प्रतिज्ञा सुनने के बाद चिंता क्यों नहीं है? अर्जुन कितना सुंदर उत्तर देता, कहीं ये भाव हमारा भी हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अर्जुन कहता है प्रभु इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि चिंता करने वाला चिंता कर रहा है, चिंता करने वाला जाग रहा है। अगर आपको मेरी चिंता नहीं होती तो आप रात को मेरे पास क्यों आते? बोलो हरे कृष्णा। क्यों भैया? अगर आप मेरी चिंता नहीं करते तो मेरे पास रात्रि में क्यों आते हैं? अभी तो रात्रि पूरी नहीं हुई। क्यों जी? क्योंकि क्योंकि मेरा चिंतन करने वाला, मेरी चिंता करने वाला जाग रहा है, इसलिए मैं बोलो चिंता नहीं करता। मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? क्यों चिंता नहीं थी अर्जुन को? बोलो, कोई बता सकता हो तो इसका? अर्जुन को चिंता क्यों नहीं थी? क्योंकि अर्जुन भगवान के आदेश का पालन कर रहा था। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसमर युद्धच। अर्जुन तुम सब कालों में हर समय मेरा चिंतन जारी रखना। क्या रखना? बोलो जी, हर समय तुम मेरे चिंतन में लग रहना अर्जुन, और साथ में युद्ध करना। जब तुम मेरा स्मरण करते हुए चिंतन करते, मेरा चिंतन करते हुए मुझे याद करते हुए जब तुम युद्ध करोगे तो असब है, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा और मैं तुम्हारी क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। क्यों जी? अर्जुन ने भगवान की वो बात पकड़ ली थी, प्रभु आपने जो मुझे आदेश दिया था मैं उसका पालन कर रहा हूं, अर्थात मैं आपका चिंतन कर रहा हूं, और आपने जो वादा किया है आप अपना वादा पूरा करो, और आप वादा पूरा करने हैं तभी तो मेरे पास आए हो, मेरी चिंता कर रहे हो तो आए हो ना। आप अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, मैं जाग नहीं सकता, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मुझे सोने दो। और ये क्या कहे? कौन? अर्जुन घाटे मार के सो गया दोबारा। बोलो हरे कृष्णा। भगवान कहते इसे तो काम नहीं बनेगा, ये तो गया, ये गया, छोड़ दिया तेरे साथ मेरा, सो गया, पर दोबारा फिर सो गया। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो चिंता, चिंतन करने वाले की चिंता कौन कर रहा है भाई? बोलते भी नहीं हो, कौन कर रहा है? चिंतन करने वाले की चिंता भगवान कृष्ण करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात हम किसका चिंतन करते हैं? हम तो विषयों का चिंतन करते हैं। हरे कृष्ण किसे? हम तो जो भगवान का भजन भी करते हैं तो सोचते हैं वो धन कम मिलेगा, वो पद कम मिलेगा, वो पुत्र कम मिलेगा, है ना? सही बात है ना? हरि बोल। जब हम भगवान का भजन भी करते हैं तो निष्काम भाव से नहीं करते हम। 99% लोग भगवान का भजन करते भी हैं तो सकामी बन के करते हैं, कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए भजन करते हैं। तो जब हम भगवान का भजन कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं तो हमारा मन कहाँ जाता है? बार बार कहाँ जाता है? कहाँ जाता है बोलो ना? जिस वस्तु की हमें लालसा है उसमें जाता है। कब मिलेगा? कब मिलेगा? कब मिलेगा? धन कब मिलेगा? पद कब मिलेगा? भोग ऐश्वर्य कब मिलेगा? वो छोकरी कब मिलेगी? वो पति कब मिलेगा? बोलो हरे कृष्णा। या नहीं? चिंतन किसका हो रहा है? किसका चिंतन हो रहा है? भगवान का या विषय का? बोलो जी। हाँ, विषय का चिंतन हो रहा है, भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है। जब हम भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान तुरंत हमारी गोद में आके बैठ जाएंगे।
भाई भगवान दूर से नहीं आने, भगवान दूर से नहीं आते, भगवान साथ में रहते हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ। जितने निकट हमारे भगवान है, इतना दूसरे कोई हो ही भी नहीं सकता। क्या बोला? भगवान हमारे जितने निकट हो उतना कोई हो भी नहीं सकता। क्यों? कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान पता? कहाँ बैठे हैं? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठते। अर्जुन, मैं तो प्रत्येक जीव के हृदय में, मैं तो प्रत्येक जीव के हृदय में हैं आत्मा के साथ सट के बैठा हूँ। मैं तो आत्मा के साथ बिल्कुल सट के बैठा हूँ। अर्थात भगवान से निकट, भगवान से निकट हमारा कोई है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जो भगवान हमारे निकट हैं उनको हमने भुला दिया है। तू भूल के अपना आप, तुमने भगवान को भुला दिया। जिसको तुम्हें याद करना चाहिए तो उसको तुमने क्या कर दिया है? भुला दिया। तू भूल के अपना आप, रहा कर पाप, तुझे तन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। भूल के अपना आप, रहा कर पाप, तुझे तन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। नारी बजा गए, सबने गाना है। अपना आप, रहा कर पाप, तुझे तन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। जोर से बजाओ प्लीज। जब मौत शीश पे आवेगी, कोई चीज साथ नहीं जावेगी। पर आवेगी, कोई चीज साथ नहीं जावेगी। कोई माँ बाप न भाई कोई देगा सहारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। माँ बाप न भाई कोई देगा सहारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा।
ये जितने रिश्ते नाते हैं, जितने रिश्ते नाते हैं, ये जितने रिश्ते नाते हैं, जितने रिश्ते नाते हैं, बस मर घट तक ही जाते हैं, अकेला करता पूछ बेचारा दुनिया में कौन तुम्हारा, प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा, भूल के अपना रहा तुझे दिल प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। कृपया दोनों हाथ आगे जोर से ताली बजाइए। धन जमीन में रह जाएगा, बैंकों में पड़ा रह जाएगा। पशुच गोष्ठे, पशुधन हमारा गोष्ठों में गौशालाओं में रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा। नारी गृह द्वारे, पत्नी घर के दरवाजे तक साथ जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। सुता शमशाने, हमारे पुत्र नाती सगे संबंधी शमशान घाट तक जाएंगे। बोलो हरे कृष्णा। धे चितायाम, और ये शरीर हमारा अग्नि को भेंट हो जाएगा, परलोक मारेंगे। जब हमारा परलोक गमन होगा, किसका? जब हमारी आत्मा का परलोक गमन होगा, जब हमारी आत्मा इस वर्तमान शरीर को छोड़ के जाएगी, प्रस्थान करेगी यहाँ से अगली मंजिल के लिए, तो उस समय ये शरीर भी साथ, बोलो जी, ये शरीर भी उसके साथ नहीं जाएगा। ये भी केवल अग्नि तक, चित तक अग्नि को भेंट हो जाएगा। फिर कौन जाएगा आगे? धर्मानुगच्छन्ति जीव एका, नीति शास्त्र का श्लोक है। उस समय जीव आत्मा के साथ केवल उसका धर्म जाएगा। क्या जाएगा जी? बोलो, धर्म जाएगा। हमारे कर्म फल सूक्ष्म रूप से हमारे साथ जाएंगे, हमारे पाप और पुण्य सूक्ष्म रूप से हमारे क्या साथ जाएंगे। पुण्य साथ होंगे तो हमें भगवत धाम ले जाएंगे, हैं, स्वर्ग का राजा बना देंगे। अगर हमारे साथ पाप कर्म फल जाएंगे तो हमें नरकों में ले जाएंगे और फिर अधमियों में जाना पड़ेगा। और भक्ति कर्म होंगे तो क्या होगा? हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएंगे। बस धर्म ज्ञान संग जाएगा, धर्म ज्ञान संग जाएगा, जो शांति सुख उपजाएगा, शांति सुख उपजाएगा, जो शांति सुख उपजाएगा, शांति सुख उपजाएगा, ले सत धर्म की शरण मिले कृष्ण द्वारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, सत्य धर्म की
कृष्ण द्वारा दुनिया में कौन तुम्हारा कौन से धर्म की शरणी है सत धर्म कौन धर्म सत धर्म वो कौन है भगवान कृष्ण की भक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति ही सत धर्म है सवे पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षज है सत धर्म है भगवान कृष्ण की भक्ति करना बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा निष्ठत धर्म की शरण मिले कृष्ण द्वारा दुनिया में कौन तुम्हारा अर्जुन ने पूछा था भगवान कृष्ण से प्रभु आपका आपका बैकुंठ नाम कैसे मिलेगा आपकी प्राप्ति कैसे होगी भगवान ने क्या बोला मुझे प्राप्त करना है तो बस क्या करो मेरी भक्ति करो पुरुषा से प्रापार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्य वो भगवान विष्णु की प्राप्ति केवल भक्ति के द्वारा होती है क्यों जी भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा हे अर्जुन परंतप अर्जुन इस भक्ति के द्वारा कोई मुझे जान सकता है इस भक्ति के द्वारा कोई मुझे आंखों से देख सकता है और इस भक्ति के द्वारा ही है मेरी भक्ति के द्वारा कोई मुझसे बात कर सकता है और इस भक्ति के प्रताप से ही मेरे धाम में मेरे साथ प्रवेश कर सकता है एक भक्ति के अलावा और कोई उपाय नहीं भक्त्या माम अभी जाना थी केवल एक भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे प्राप्त कर सकता है और उपाय से मैं प्राप्त होने वाला नहीं हूं धर्म क्या है जो हमें भगवान से मिला है बोलो हरे कृष्णा तो कौन सा धर्म है वो जो भगवान से मिला रहा है भगवान खुद तो बता रहे हैं इस धर्म को पालन करो तो मेरे से मिल जाओगे मुझे प्राप्त कर लोगे कौन सा है वो किस चरण की शरण सत धर्म की शरण मिले कृष्ण द्वारा दुनिया में कौन तुम्हारा आप रहा कर पाप तुझे तन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा आगे भजन में बताया जा रहा है इस सत धर्म को कैसे अपनाना है ये सत धर्म है क्या नित कृष्ण नाम गुण गाया कर कृष्ण नाम गुण गाया कर भक्ति कैसे करनी है हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्तेव 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 गति अन्यथा कलयुग में भगवान की भक्ति केवल उनके नामों के कीर्तन में समा गई है काम करते रहो नाम जपते रहो तो जी नित कृष्ण नाम गुण गाया कर कृष्ण नाम गुण गाया कर भैया ताली बजा के गालो ना अब तो गालो कृष्ण समझाने के बाद निकल कब गाओगे ओ नित कृष्ण नाम गुण गाया कर जीवन को सफल बनाया कर जीवन को सफल बनाया कर जीवन को सफल बनाया कर नित कृष्ण नाम गुण गाया कर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जोर से गाओ मुंह भर के गाओ
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 सारा दुनिया में कौन तुम्हारा मोह माया है प्यारे जगत झूठ पसारा दुनिया में कौन तुम्हारा अर्जुन तो सो गया ये तो है हमारे सहायता नहीं करेगा अब क्या करें फिर भगवान किसके पास गए हैं द्रौपदी के पास वो तो द्रौपदी छोड़ के चली गई थी पता नहीं क्या आपस में के लिए बात करेंगे दोबारा द्रौपदी के शुरू में गए द्रौपदी जल्दी एक काम करो साड़ी पहनो एक साड़ी मुझे भी दो क्या करना प्रभु अरे जल्दी करो अभी हमने अभी इसी वक्त बिना विलंब के अभी हमने भीष्म पितामह के पास जाना है एक साड़ी मुझे दो और तुम भी साड़ी पहनो दोनों ने साड़ी पहन ली द्रौपदी ने भी और बोलो जी भगवान किसी ने और बोले हैं घूंघट आके कर ले दोनों ने घूंघट आके निकाल ली मेरे पीछे पीछे चलते रहना कुछ नहीं बोलना कुछ नहीं बोलना तो भगवान द्रौपदी को लेकर जा रहे हैं कौरवों के शिविर में जा रहे हैं शिविर अलग थे ना दोनों के और कौरवों के शिविर में प्रवेश करने के बाद भीष्म पितामह के शिविर की ओर चल पड़े लेकिन द्रौपदी ने ऊंची सैंडल की चप्पल पहन रखी थी उसे ठप ठप की आवाज आ रही थी भगवान सोचने लगे कि कहीं से कोई पहचान ना ले हैं इसकी चप्पल की आवाज़ से कुछ को पहचान ले और मैं ही पकड़ा जाऊँ ये पकड़ी जाइए हाँ दुश्मन के शुरू में जा रही है सहमत भगवान ने कहा द्रौपदी एक काम करिए चप्पल मुझे दे दे ये तेरी चप्पलें खतरनाक हैं ये फंसवा देगी हमारे को ये चप्पल मुझे पड़ा दे भगवान ने क्या किया द्रौपदी की चप्पलों को लेकर अपनी बगल में छिपा लिया ऐसे दोनों बगल में चप्पल डाल दी और पितामह भीष्म के शिविर के पास जाने के बाद दरवाजे पे बोलते हैं कि देखो अब तुम जाओ अंदर मैं तुम्हारे साथ तुम के लिए जाओ और चुप इतने तुम्हारे पाँव की पदचाप भी उसको सुना भीष्म पितामह को सुनाई देनी चाहिए बिल्कुल पतलाना चाहिए भीष्म पितामह को तुम्हारे प्रवेश का मालूम नहीं पड़ना चाहिए और बस उनके चरणों में जा कर के प्रणाम करो ये काम करना है भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए द्रौपदी बड़े
दुबके दुबके पांव से कहाँ पहुँचे, भीष्म पितामह के शिविर के अंदर जा करके उनके चरणों को स्पर्श के प्रणाम किया और पितामह भीष्म एकदम से आह ये क्या हो गया, आज दुर्योधन के भड़काने पर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, शारद रात में सो नहीं पाए, मैंने कैसे संकल्प कर लिया और अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, मैं सोया पड़ा हूँ और उधर से दुर्योधन की पत्नी आ गई आशीर्वाद लेने के लिए, वो डेली आती थी, दुर्योधन की पत्नी डेली आती थी आशीर्वाद लेने के लिए। सुने सो क्या सोया विष्णु पितामह ने कि द्रौपदी की पत्नी आके हमारे क्या कर रहे हैं चरणों को स्पर्श कर रहा है, आज कैसे मेरी है बुद्धि खराब होगी, उसके पहले मैं उठा भी नहीं है ना, आज मेरे लोटेट को प्रणाम कर रही है, क्या बोल दिया सौभाग्यवती भावा, क्या बोला सौभाग्यवती भावा, अब सौभाग्यवती भावा बोला तो द्रौपदी तो फूट फूट के रोने लगी, पितामह आपने मुझे अभी अभी आशीर्वाद दिया है सौभाग्यवती भावा और कल आपने ये प्रतिज्ञा किया कि मेरे पति आप अर्जुन का वध करोगे, तो कौन सी आपकी प्रतिज्ञा सत्य है, कौन सी आपकी प्रतिज्ञा झूठी है। द्रौपदी की आवाज़ सुन करके रोते रोते द्रौपदी बोल रही थी, एकदम से उछल के अपने खटिया पर बैठ के कौन पितामह भीष्म, दिमाग घूम गया ये क्या हो रहा, मैं तो सोचा था कौन होगी दुर्योधन की पत्नी होगी, ये तो है ये कृष्णा ये द्रौपदी यहाँ पर कहाँ से आ गई, और थोड़ा विचार करने के बाद लगा कि ये निश्चित कृष्ण की कुछ चाल है, कृष्ण की चाल के अलावा ये यहाँ पर नहीं हो सकते थे। तो पितामह भीष्म बोला बेटी तेरी तेरी बात का जवाब तो बाद में दूंगा, पहले तुम मुझे बताओ कि वो छलिया तुम्हें यहां पे लेकर आने वाला जो छलिया है ना कृष्ण वो है कहाँ, जो तुम्हें यहां लेके पहुंच गया है वो छलिया कृष्ण है कहाँ, तेरी बात को उत्तर बाद में दूं, पहले उसे तो मिल लूं। कहते वो तो बाहर दरवाजे के बाहर खड़े हैं, टेंट के बाहर खड़े हैं। पितामह भीष्म तुरंत अपनी खटिया से क्या छलांग लगाई और कहाँ पहुँच गए, टेंट के बाहर पहुँचे तो क्या देखा वहाँ तो कृष्ण जी हैं ही नहीं, उन्होंने सोचा को दासी खड़ी होगी द्रौपदी के बाहर, हैं भगवान किस में थे, भगवान किस में थे भाई, अरे अपने भक्तों का काम बनाने के लिए भगवान को पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं भैया, क्या क्या नहीं बने मेरे प्रभु, सुअर बन गए, नरसिंह बन गए, हैं कश्यप बन गए और यहाँ तक द्रौपदी की साड़ी तक बन गए, बोलो हरे कृष्णा। यहाँ भगवान ने क्या नहीं बनते भगवान अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते, क्यों जी सही बात है ना, क्या नहीं बनते भगवान, क्या नहीं बनते। तो भीष्म पितामह ने सोचा तो द्रौपदी की दासी होगी कोई, दोबारा अंदर गए, द्रौपदी वहाँ तो प्रभु नहीं है, कृष्ण तो नहीं है बाहर, वहीं तो है, मैं अभी तो छोड़ के आई हूँ, कहता हूँ यहाँ तो है ही नहीं, आके देखो। और तब द्रौपदी अंदर से बाहर आई और बोले ही खड़े तो हैं, यही तो है कृष्ण, अच्छा तुम्हारा काम बनाने के लिए अपने भक्त का काम बनाने के लिए ये साड़ी, ये इन्हें धोती तो साड़ी भी पहन ली, साड़ी भी पहन ली, स्त्री बन गए। अब भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु वही होना है जो आप चाहोगे, मैं तो आपका दास हूं, मुझसे आप अपने आप को क्यों छिपाए हुए हो, मुझे अपने मुखारविंद का दर्शन प्रदान कीजिए प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। लेकिन पितामह भीष्म बार बार याचना कर रहे हैं लेकिन इतने पर भी भगवान तस्से मस नहीं हो रहे, तब बार बार याचना करने पर जब भगवान के दर्शन नहीं मिले तो पितामह भीष्म को जोश आ गया, उन्होंने भगवान कृष्ण को पकड़ के हिला दिया, आप मुझे अपना दर्शन देते क्यों नहीं हो, और जब पकड़ के लाया तो क्या हुआ, भगवान के बगल में जो द्रौपदी की पायल थी सैंडल वो हिलने से क्या हुई, बगल से निकल के नीचे गिर गई, किसके सामने, पितामह भीष्म के सामने। ओहो प्रभु ये दृश्य को देख करके जब द्रौपदी की पायल भगवान के बगल से छाती से निकल के कहाँ गिरी, नीचे गिरी, तो
पितामह भीष्म की आंखों से अश्रुधार बह चले। प्रभु प्रभु हम अपने भक्तों की चरण पादुकाओं को अपनी छाती से लगाकर रखते हो तो भला ऐसे भक्तों का दुनिया में कौन बाल बांका कर सकता है? कौन कौन कर सकता है? तुरंत भगवान ने अपना घूंघट हटा दिया। नहीं कर सकता तो ये बताओ कि तुम्हारे कल प्रतिकर क्या बनेगा, उसका तोड़ क्या, ये बताओ। तुम्हारी प्रतिक्रिया तोड़ का ये बताओ। तब विषम पिताम ने बोला बस एक ही तोड़ है मेरी प्रतिक्रिया का, कि कल अर्जुन के रथ के पर शिखंडी को रखेगा, जब शिखंडी मेरे सामने आएगा तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा। बोलो हरे कृष्णा। अन्यथा दुनिया और कोई उपाय नहीं उसको मुझसे बचाने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी तो हमने श्लोक शुरू ही किया, उस पर तो हमने पूरी चर्चा ही नहीं किया है ना। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। गीता कौन है? पोथी नहीं है, कौन है? जोर से बोलो। शास्त्र, शास्त्र का मतलब क्या बताया था हमने? जो हमारे मानव जीवन को शासित करने के लिए बनी है, और जो भगवान के कानूनों का पालन करते हैं भगवान उनका योगक्षेम क्या करते हैं बोलो, वहन करते हैं। ये पठेत प्रते पुमान विष्णु पदम अवापनोति भय शोक आदि वर्जिता। भगवत गीता के श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन से क्या हो जाता है? भय निकल जाता है, शोक और मोह निकल जाता है। यदि आप अपने जीवन में भय शोक और मोह से मुक्ति पाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? बोलो जी। भगवत गीता को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसको ध्यान से मनन करना पड़ेगा। पढ़ोगे तो शायद समझ में नहीं आएगी, अगर सुनोगे तो शायद समझ में आ जाए। सुनने मात्र से कल्याण हो जाएगा। अर्जुन से भगवान ने पूछा था, क्या पूछा था? अर्जुन तुमने मेरा प्रवचन सुन लिया? अर्जुन ने बोला हाँ प्रभु सुन लिया। तो तुम्हें मेरे प्रवचन सुनने से क्या लाभ मिला? भगवान ने अर्जुन ने क्या बोला? प्रभु ये लाभ मिला, नष्टो मोह, मेरा मोह क्या हो गया? नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, मुझे मेरी यादाश्त वापिस मिल गई है। तो प्रसादान माया च्युता, हे प्रभु आप हे अच्युत कृष्ण, आपकी कृपा से आपके प्रवचन को सुन करके मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे मेरी यादाश्त वापिस मिल गई है। स्थितो अस्मि ग संदेहा, मेरे जीवन के सारे संशय क्या हो गए हैं? दूर हो गए हैं। आपके प्रति जो मेरे मन में संशय थे वो सब क्या हो गए हैं बोलो? समाप्त हो गए हैं। आपकी वाणी में मुझे कोई संदेह नहीं है, जो आपने बोला है बिल्कुल क्या है? सत्य है। करिष्ये वचनव तवः, हे कृष्ण अब मैं आपके वचनों का क्या करूंगा? यथारूप पालन करूंगा। ये है प्रणाम। किसका किसका प्रणाम है? ये भगवान की वाणी गीता को सुनने का प्रणाम है। अर्जुन अपने मुखारविंद से स्वीकार कर रहा है कि आपके वचनों को सुन करके, आपके प्रवचनों को सुन करके मेरे जीवन से क्या हो गया है बोलो? बोलो जी, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मुझे मेरी यादाश्त वापिस मिल गई है। भगवान ने पूछा क्या क्या किसको भूल गए थे जिसको जिसकी याद आ गई है? क्या पितामह भीष्म को भूल गए थे, उनकी याद आ गई? कृपाचार्य को भूल गए थे, द्रोणाचार्य को भूल गए थे, किसकी याद आ गई, किसको भूल गए थे? अर्जुन बोलता प्रभु इनको याद करते मैं मोह में फंसा था। कृष्णा भूली सही जीव। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते जब कोई जीव आत्मा भगवान कृष्ण को भुला देता है, किस लिए बुलाता है? भोग वांछा करे। जब उसके हृदय में स्वतंत्र भगवान है विषय को भोग करने की इच्छा पैदा हो जाती है। ध्यान दीजिएगा,
हमारे हृदय में कुसंग में पड़ करके जब है भोग भोगने की इच्छा, विषय भोग भोगने की इच्छा क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है। जब हम भोग भोगना चाहते हैं तो क्या होता है, वो भोग की इच्छा हमारे हृदय से भगवान की भक्ति को भुला देती है, भगवान को भुला देती है, हम भगवान को भूल जाते हैं। और जब भगवान को भूले तो क्या होता है, निकष अष्ट माया झापटिया धरे, जैसे ही व्यक्ति भगवान को भुलाता है तुरंत भगवान की माया उसको झपट लेती है, क्या करती है, उसको अपने काबू में लेती है, पकड़ लेती है और फिर उसको दंड देती है। इस संसार में जितने भी कष्ट हैं, जो भी कष्ट हम उठा रहे हैं, उनका मूल कारण केवल भगवान को, भगवान कृष्ण को भुलाना मात्र है। क्या जी बोलो जी, आज हम संसार में कष्ट उठा रहे हैं उसका मूल कारण क्या, बोलो कि हमने भगवान कृष्ण को, बोलो जी, भुला दिया। सारे वेद शास्त्र पुराण एक ही बात का निर्णय दे रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। क्यों जी, सारे वेद शास्त्र कि हमेशा भगवान कृष्ण को याद रखो, उनको भूलो मत, और साथ में हैं है? क्या करो, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, यह प्रवृत्ति मार्ग, और नेवर फॉरगेट कृष्णा, कभी किसी भी परिस्थिति में भगवान को, कृष्ण को भुलाओ नहीं। यह है वेद शास्त्र पुराणों का सार, बाकी सारे सिद्धांत सब कुछ इनके इनके नौकर चाकर हैं, ये मूल सिद्धांत के सब नौकर चाकर हैं। मूल सिद्धांत क्या है, अपने जीवन को ऐसे ढालो कि किसी भी परिस्थिति में हम भगवान कृष्ण को ना भुलाएं, और हमेशा भगवान का क्या करते रहे, चिंतन, भगवान का गुणगान करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गंग भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लवकणिका पीता, क्षितपीन येन मुरारी समचर्चा, क्रियते तस्य यमेन चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, बोलो जी, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते, अरे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, आदि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, भगवत गीता किंचित धीता, कोई भगवत गीता को थोड़ा भी पाठ कर ले, क्या कर ले, अध्ययन कर ले, सुन ले, भगवत गीता का कोई थोड़ा भी क्या कर ले, अध्ययन कर ले, या बोलो पाठ कर ले। गंगा जल लव कणिका पीता, और कोई एक थोड़ा सा भी, एक घूंट भी अगर क्या पीता है, गंगा जी का जल पी ले, एक घूंट गंगा जल का पीने से, एक थोड़ा सा भी जल गंगा जल पीने से क्या होता है, व्यक्ति के कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कृत अपि येन मुरारी समचर समर्चा, कोई थोड़ा भी एक बार भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर ले, उनकी पूजा पाठ कर ले, उनकी चर्चा में रुचि ले ले, स्कृत माने एक बार, कितनी बार, हाँ एक बार भी कोई लगन से भगवान का गुणगान है, भगवान की चर्चा में पार्टिसिपेट कर ले। क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, उस व्यक्ति के जीवन में यमराज का डिपार्टमेंट क्लोज हो जाएगा। उसकी चर्चा यमपुरी में, बोलो बोलो, नहीं होगी, उसके सारे खाते यमराज जी को क्या करने पड़ेंगे, जलाने पड़ेंगे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, अरे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि
जननी जठरे शैनम ऐ संसारे बहुत उस्तारे कृपा पारे पाही मुरारे संसारे बहुत उस्तारे कृपा पारे पाही मुरारे ऐ संसारे बहुत उस्तारे कृपा पारे पाही मुरारे संसारे बहुत उस्तारे कृपा पारे पाही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते कौन कह रहे हैं भाई मायावादियों के सरदार हैं कौन आदि शंकराचार्य जी कौन है ये भोले शंकर के अवतार थे इनको भगवान ने भेजा था कुछ समय के लिए जाओ मायावाद का प्रचार करके लोगों को मेरी भक्ति से हटाओ लेकिन जाते जाते अपने स्वरूप में आ गए क्या गए जाते जाते अपने स्वरूप में आ गए दक्षिण भारत में गुरुवरुण का मंदिर है भगवान विष्णु का मंदिर वहाँ से निकल रहे थे आदि शंकराचार्य जी वहाँ पर ठोकर लगी मंदिर के सामने गिर पड़े और जब उठे तो क्या देखा रहे तो मेरे प्रभु का मंदिर है मंदिर के अंदर गए वहाँ भगवान को जाके प्रणाम किया और वहाँ पर क्या देखा वहाँ पर एक मंदिर का जो ब्राह्मण पुजारी था वो भगवान के सामने बैठ करके हैं संस्कृत गिरदान याद कर रहा था उसको देख करके आदि शंकराचार्य जी भाव में आ गए अरे तुम ये क्या कर रहे हो अरे भगवान के सामने भगवान के चरणों में बैठ करके हैं संस्कृत गिरदान याद कर रहे हो तुम्हें इनके इनके सामने बैठ कर इनका भजन करना चाहिए था तुम विद्वान बनने के लिए संस्कृत गिरदान याद कर रहे हो तब उनके मुख से ये शब्द निकले भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते ये मूर्ख ये मनुष्य उन्हें मिली है किसके लिए भगवान गोविंद का भगवान कृष्ण का भजन करने के लिए उनका भजन कर ले नहीं तो दोबारा से तुम्हारे को संसार के आवागमन में फंसना पड़ेगा पुनः पुनः जन्म के मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ेगा मां गर्भ में जाना पड़ेगा और ये जो संसार है इसका बहुत दुष्कर प्रभाव है इसका कोई एंड नहीं है केवल भगवान मुरारी अपनी अनंत दया से ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं हे मूर्ख क्या कर ले तू गोविंद का भजन कर ले गोविंद का भजन कर ले गोविंद का भजन कर ले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे क्या विचार है भजन करना नहीं करना आप क्या चाहोगे पैसे का भजन करोगे बोलो अरे भगवान का नहीं भजन होगा तो फिर संसार के विषयों का भजन होगा पैसे का भजन होगा किसका भजन करना है बोलते भी नहीं हो भगवान का भजन करना है या नहीं करना यदि भगवान का भजन करना है तो भगवान के भक्तों की संगति चाहिए भगवान के भक्तों के साथ बैठ के सुनो तो ही भगवान का भजन हो सकता है अपने बलबूते भजन होने वाला नहीं है अपने बलबूते से भजन नहीं कर सकता कोई भी भजन करना है तो भक्तों के संग में ही रहना पड़ेगा तो हमारा निवेदन है कि आप कृपया करके कल से ठीक 6:30 बजे आइएगा हमारा ये प्रयास रहेगा कि 9:30 बजे कथा को विराम दिया जाए उसके बाद थोड़ा आरती और 10 बजे प्रसाद चालू कर दिया जाए सही बात है ना तो यदि समय पर प्रोग्राम को चलाना तो समय पर श्रोता को आना भी बहुत जरूरी है तो क्या आप थोड़ा सा प्रयास कर सकते हो समय पाने का नहीं ये आज की तरह आओगे बोलते नहीं आज 6:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया था 6:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया था क्या विचार है आपका आएंगे नहीं आएंगे कितने भक्त आएंगे समय पर सीधे अभी बहुत आए तो सिर्फ भगवत गीता अभी थोड़ी रूपरेखा तैयार चालू हुई है आगे कल से तो विषय चलेंगे ना अलग 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 टॉपिक खोले जाएंगे अलग 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 जो विषय भगवान समझा रहे हैं उस उन पर चर्चा की जाएगी आए तो सिर्फ आपको भगवत गीता की थोड़ी महिमा का गुणगान आपको थोड़ा सा स्वाद करने का मौका मिला है कैसी लगी आपको हैं बोलो ना समझ में आई है ना हरी बोल बोलने का मतलब समझ में आ गई है थैंक यू बहुत धन्यवाद
तो कल से थोड़ा विषय चालू करेंगे, अलग अलग विषय को उठा करके गीता से उसको कानून समझाएंगे कि भगवान इस विषय में क्या कानून, इस समस्या के लिए क्या कानून दे रहे हैं, समाधान के लिए ये समस्या आ गई जीवन में तो इसका समाधान भगवान कैसे कर रहे हैं गीता के माध्यम से, वो सारे के सारे हैं उनके विषय पर चर्चा की जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मेरा निवेदन ये भी है कि जो भक्त आज आए हैं उनसे निवेदन है कि वो अपने स्वजनों को, अपने सगे संबंधियों को इस गीता क्लास में लाने का प्रयास कीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है। WHO कितने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे संसार में एक क्या है एनजीओ है, इसको बोलते हैं WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसने डिक्लेयर कर दिया, क्या कर दिया है कि व्यक्ति के जीवन में 88% जो बीमारियां हैं, कितनी बोलो भाई, व्यक्ति के जीवन में जो 88% बीमारियां पैदा हो रही हैं वो उसके मन की देन है। ध्यान दीजिए कितने कितने परसेंट, 88% बीमारियां हमारे मन की देन है, मन के रोग हैं। 88% बीमारियां शुरू होती हैं मन से, ठीक है जी, और केवल 12% बीमारियां ऐसी हैं जो शरीर से चालू होती हैं। कितने परसेंट है जी, 12%। और यदि किसी व्यक्ति ने अपने मन को साध लिया, क्या कर लिया, किसी व्यक्ति ने अपने मन को साध लिया तो उसकी सारे के सारे हैं बीमारियों से, सारी सारी चिंताओं से उसका मिल जाएगी मुक्ति मिल जाएगी। कहते हैं ना मन के हारे हारे मन के जीते जीत। आज वर्तमान में पूरे विश्व में नौजवान युवक और युवतियां आत्महत्या कर रही हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोला हूँ मैं तो हैरान रह गया। मुझे किसी ने बताया कि बंगलोर में अधिकांश जो नौजवान लड़के लड़के आत्महत्या कर रहे हैं वो IT से हैं, इंजीनियरिंग क्लास से हैं, वो ज़्यादा क्या कर रहे हैं आत्महत्याएं कर रहे हैं बंगलोर के अंदर। इसका मतलब हमारी भौतिक एजुकेशन हमारे को बोलो ना मृत है, हमारे को शांति नहीं दे रही, हमारे को आनंद बोलो नहीं दे रही है। हमारी जो भौतिक एजुकेशन है वो हमें कहाँ ले जा रही है, मृत्यु की ओर ले जा रही है, हमारे को डिप्रेशन की ओर लेके जा रही है, वो हमारे को है क्या कर रही है, चिंताओं में डाल रही है, हमारे को शोक में डाल रही है। सही बात है ना, बोलो ना। तो ना तो स्कूल में, ना किसी कॉलेज में, ना किसी यूनिवर्सिटी में ये गीता ज्ञान प्रॉपरली दिया जा रहा है। और मन का इलाज यदि कहीं है तो केवल किस में है, भगवत गीता में। अर्जुन भी तो मन हार गया था ना, क्या रहा था अर्जुन भी तो अपने मन को खो बैठा था, हार गया था, गिर गया था, अंधेरा आ गया था, गांडी छूट गया था, मन को खो बैठा था ना, मन से कमजोर हो गया था ना, बोलते क्यों नहीं हो। तो भगवान ने उसका इलाज कैसे किया, दवाई खिला करके, इंजेक्शन लगा करके, ऑपरेशन करके, बोलो ना किसे किया, बोलते भी ना भाई। अभी शंख ही बज रहे थे, दोनों सेनाओं के संघ बज रहे थे, केवल 45 मिनट का था, 45 मिनट संघ बजते रहे, इतने में भगवान ने अपना उपदेश सुनाया गीता का और अर्जुन कहता मैं मारूंगा सबको, संकल्प करता हूँ जब तक इन पांडव कौरवों को मार लूंगा तब तक मुझे कोई मुझे गांडी छोड़ने के लिए बोलेगा उसका वध कर दूंगा। कृष्ण वचना बतावा, हे कृष्ण अब मैं तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा और सब कौरवों को मार के चल लूंगा। ये है गीता का ज्ञान। क्यों भैया, जो मन खो बैठा था, जो मन को लूज खो बैठा था है ना, वो मन क्या हो गया था, भगवान कृष्ण के प्रवचन को सुनकर क्या हो गया था, बोलो स्ट्रांग हो गया था। और इस्कॉन की भगवत गीता एजीटी ने पूरे विश्व में हजारों हजारों लोगों को क्या किया है, मौत के मुंह से निकाला है, प्रमाणित है सब जगह। अनेक भक्तों का चरित्र सुनने को मिलता है कि वो आत्महत्या करने जा रहे थे, वो लटक गए थे ऊपर, उस समय हमारे भक्त आए, गीता पढ़ाई समझाई और हमें हमेशा के लिए विचार चेंज कर दिया। हजारों नहीं लाखों लोगों का जीवन किसने बदला है,
किसी को बजाय प्रभुपाद जी की गीता भगवत गीता एज इट इज ने। तो आपसे निवेदन है, आजकल तो स्कूलों में भी मनोवैज्ञानिक मन के चिकित्सा करने वाले डॉक्टर रखने लगे, छोटे छोटे बच्चों को भी बीमारी लग गई इसकी मन की बीमारी, स्कूलों में टीचर रखने पड़ रहा और रखने पड़े डॉक्टर रखने पड़ रहे हैं आजकल, बड़े बड़े स्कूलों में किसके मन के रोग के डॉक्टर रखने पड़ रहे हैं। पहले कभी सुना था आपने ये बात, बोलो ना, पहले आपने कभी सुना था कि स्कूलों में डॉक्टर थे मन का इलाज करने वाले, बताओ ना। अब तो बड़े बड़े स्कूलों में इतनी टेंशन बच्चों को है, वो आत्महत्या कर रहे हैं, वहाँ पर उनको समझाने के लिए उनको डॉक्टर खाने पड़ रहे हैं मन के, कितनी कितनी दुर्दशा हो गई हमारी एजुकेशन की भी, आप सोच देखो जरा है। तो क्या विचार है, लेके आओगे नहीं लेके आओ अपने बच्चों को, वो आपके नहीं सुनने वाले, कहाँ सोचो आप सुन लोगे, वो आपको नहीं सुनने वाले, समझा बुझा के ले आएगा सबको, यहीं पर सबका इलाज होगा है। इससे बढ़ के दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है, क्या बोला, भगवत गीता के ज्ञान से बढ़ के दुनिया में कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई ज्ञान बोलो नहीं है, इससे बढ़िया कोई मेडिसिन है ही नहीं है। तो क्या आप कल अपने स्वजनों को अपने सगे संबंधी को लाने का प्रयास करोगे नहीं करोगे, बोलो। मैं चाहता हूँ सबको लाभ मिले, ये तो स्पिरिचुअल ज्ञान है, इससे बढ़ के दुनिया में कोई ज्ञान है ही नहीं। भगवान कहते अध्यात्म ज्ञान से बढ़ के दुनिया में कोई ज्ञान है ही नहीं है, किंग ऑफ नॉलेज है, राज विद्या है, ये सभी ज्ञानों का राज है अर्जुन, राज विद्या राज गुह्यम, बड़ा गोपनीय ज्ञान है ये अध्यात्म, सुसुखम, ये लोगों को सुखी बनाने वाला ज्ञान है। क्या बोला भगवान, बोलते ये ज्ञान से व्यक्ति सुखी हो जाता है, इस ज्ञान को प्राप्त करके लोग, गीता ज्ञान को प्राप्त करके लोग सुखी हो जाएंगे। आप सुखी होना चाहते हो, बोलो ना प्रभु जी, नहीं होना चाहते, जो सुखी होना चाहते हाथ पकड़ो, दोनों हाथ पकड़ो। तो यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो आपको ये ज्ञान लेना होगा और दूसरों को देने का प्रयास करना होगा, सुसुखम, इस ज्ञान के द्वारा लोग क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। कर्तुम, और ये करने में बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई कठिन नहीं है, बड़े आसानी से कर सकते हैं इसको, इस ज्ञान का अनुशीलन बड़े आसानी से किया जा सकता है। अरे भाई बताओ, चलते फिरते भगवान का नाम में कोई प्रॉब्लम है, बताओ ना, तो क्या प्रॉब्लम करने में, कोई घर बार छोड़ के जंगल में थोड़ी जाना, कोई ध्यान थोड़ी लगाना, कोई भूखे थोड़े रहना है, 56 वो खाओ बना बना के भगवान को भोला के क्या प्रॉब्लम है, खाओ खूब खाओ, भगवान को खिलाओ खुद आप भी खाओ, क्यों जी, सुंदर सुंदर वस्त्र भगवान को पहनाओ और तुम्हें बढ़िया बढ़िया वस्त्र तुम्हें पहनाओ प्रसाद के रूप में, बोलो हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान है ये, इस ज्ञान का अनुशीलन करने में कोई कठिनाई बोलो नहीं है। अब व्यम, आगे से भगवान बोलते हैं ये ऐसा ज्ञान है जिसका कभी अंत होने वाला नहीं है, एवर लास्टिंग है, जो मिल गया वो हमेशा रहेगा हमारे पास, कभी कोई हमसे छीन ही नहीं पाएगा। तो जो इस ज्ञान को प्रसार प्रसार करने में है अपना हमारा सहयोग करना चाहते हैं, क्या करना, आपने आप लोगों को बुला के लेकर आना, अपने प्रभाव को लेकर आना, बस यही सहयोग चाहिए आपसे, बाकी तो सब काम यहाँ पर होगा है, कथा में होगा, कीर्तन में होगा, क्यों जी। तो जो कल अपने स्वजनों को या अपने सगे संबंधी को अपने मोहल्ले वालों को है इस गीता का प्रवचन का लाभ पहुँचाने के लिए उनको निमंत्रण देकर के बुला के लेकर के आएंगे, हाथ पर कीजिएगा प्लीज, सीधे हाथ करो, जो भगवान का प्रचार करना चाहते हैं, गीता का प्रचार करना चाहते हैं, सीधे हाथ करो ना, हमारे प्रभु लोगों के सबके हाथ ऊपर है, माताएँ बड़ी ढीली हैं, क्या बात, पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ तक ये माता ढीली होगी, क्या बात है, आप तो हमेशा आगे रहती थी, आज पहली बार ढीली कैसी हो गई हो हैं। हरे कृष्णा, कृपया सभी को लेकर आइएगा, हम चाहते हैं सभी को इस ज्ञान का लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच, एनी क्वेश्चन, हम सबको प्रश्न पूछने का मौका देंगे, जो भी शंका कोई आपकी बने तो आप पूछ सकते हो, यदि कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन आंसर है, गीता क्वेश्चन आंसर है, अर्जुन ने क्वेश्चन किया भगवान ने उत्तर दिया, है ना, यही है ना, बोलो ना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन क्वेश्चन किया, अर्जुन ने उत्तर दिया, बोलो हरे कृष्णा, सही बात है ना। तो अगर आपको हमारे प्रवचन में कोई बात समझ में नहीं आई है या कोई शंका खड़ी हो गई है तो आप उसका निराकरण कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग माई लेक्चर, जिसको पूछना हाथ पर करो, कोई पूछना है तो, कोई नहीं पूछना, किसी ने फुली सेटिस्फाई, पक्की बात, एक का भी हाथ ऊपर नहीं है, सब शांत है, प्रभु लोगों में से कोई
नो, सबको समझ में आ गया? मेरी माताओं में से कोई नो, फुली सेटिस्फाई, कोई शंका ही नहीं रही है। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।